हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वन के अंतर्गत मानव पाचन तंत्र की संरचना और उसका डायग्राम और उसके साथ साथ मुख में पाचन मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी, और पार्ट टू के अंदर लार ग्रंथियां के विभिन्न प्रकार और उसके साथ भोजन का और पाचन का प्रायोजन पार्ट टू के अंदर मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पार्ट थ्री के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रसनी ग्रासनाल के साथ अग्नाशय और आमाशय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने आज के मुख्य टॉपिक ग्रसनी और ग्रासनाल की संरचना। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो आहार नाल की लंबाई 4 से 4.5 मीटर होती है। लेकिन 4.5 मीटर ये कब होती है? जब मनुष्य जीवित अवस्था में होता है, और यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आहार नाल शिथिलता के कारण इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर हो जाती है। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाचन तंत्र के अंदर पाचन क्या होता है? सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन एक अपचयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने की प्रक्रिया यांत्रिकी और रासायनिक दोनों रूप से होती है। और जब उन छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ लिया जाता है तो उसके बाद उसमें से जो मुख्य रूप से निकलने वाले तत्व हैं जो शरीर के लिए उपयोगी है उनको रक्त धारा के अंदर अवशोषित आसानी से किया जा सके, यह मुख्य रूप से पाचन होता है। परिभाषा के हिसाब से हम देखते हैं तो भोजन का पाचन वह अपचयन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन का बृहत अणुओं को छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं के रूप में रासायनिक और यांत्रिक रूप से विभंजन किया जाता है, ताकि उसके अंदर उपस्थित उपयोगी तत्वों का रक्त धारा के द्वारा अवशोषण हो सके। तो यह एक पाचन की परिभाषा है जो आप लोगों को दर्शानी है और लिखनी भी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है पाचन किसे कहते हैं। इसके साथ पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण भाग पर हम आते हैं, जिसमें डायग्राम में आप देख रहे हो मुख का पाचन मैंने आप लोगों को बता दिया। मुख के पाचन के बाद ग्रसनी ग्रासनाल और आमाशय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रसनी की संरचना के बारे में देखते हैं कि ग्रसनी क्या होती है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो ग्रसनी के अंदर सबसे पहले मैंने क्रमबद्ध पॉइंट आपको यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूं, जो आपको ध्यान रखने और इसी क्रम में आपको नोट्स भी बनाने हैं। गर्दन व गले का हिस्सा, यानी ये जो गर्दन है अपनी, इस गर्दन का और गले का जो हिस्सा है ये ग्रसनी का हिस्सा है। मुख और नासिका द्वार के ठीक पीछे की ओर स्थित होता है। ग्रसनी मुख और नासिका द्वार के ठीक पीछे, ये मुख और ये नासिका द्वार, और ठीक इसके पीछे अंदर की साइड में स्थित होता है।
ग्रास नाल का ऊपरी भाग, ये ग्रास नाल आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रास नाल का ये ऊपरी भाग, ये यहां से यहां तक ग्रास नाल है और इसका ये जो भाग दिखाई दे रहा आपको, ये भाग आपका ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहिका, ये मुख गुहिका हो गई, मुख गुहिका एवं ग्रसिका या ग्रास नाल के मध्य का भाग, ये ग्रास नाल और ये मुख गुहिका, मुख गुहिका के मध्य का भाग। श्वसन एवं पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है ग्रसनी, श्वसन और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है क्योंकि उसी रास्ते से भोजन भी शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उसी रास्ते से वायु जो हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, वह भी उसी रास्ते से शरीर के अंदर पहुंचती है। ग्रसनी के पश्चिम भाग पर दो छिद्र होते हैं और इन दोनों छिद्रों के अंदर पहला जो छिद्र होता है उसे घाटी कहते हैं और दूसरा जो छिद्र होता है उसे निगल द्वार कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि श्वसन और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है तो श्वसन के लिए घाटी का भाग आता है और पाचन के लिए निगल द्वार आता है। दोनों ही भाग, दोनों ही छिद्र ग्रसनी के अंदर पश्चिम भाग में स्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब हम भोजन निगलते हैं तो भोजन को चबाने के बाद जब लुगदी बन जाती है और उसको ग्रसिका के अंदर लिया जाता है तो घाटी द्वार के ऊपर उपस्थित उत्कों से बना हुआ उसका ढक्कन उस घाटी को बंद कर देता है ताकि भोजन उस घाटी के अंदर नहीं पहुंच सके और भोजन घाटी के ढक्कन को क्रॉस करता हुआ निगल द्वार के द्वारा ग्रसिका या ग्रास नाल के अंदर पहुंचता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास की प्रक्रिया के अंतर्गत घाटी ढक्कन खुल जाता है और वायु का आदान प्रदान होने लग जाता है। इस प्रकार घाटी और निगल द्वार दोनों साथ साथ चलते हैं। ग्रसनी में यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रसनी के अंदर यूस्टे की नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ये छोटे सेकेंड स्तर में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं ग्रसनी की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रसनी किससे बनी होती है, तो ग्रसनी ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है और ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से, ये ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से होती हुई एक नली रूप की संरचना, जो आपको ये एक डायग्राम में दिखाई दे रही है, एक नली रूप की संरचना के अंतर्गत ग्रास नाल के अंदर या ग्रसिका के अंदर खुलती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ग्रसनी के बाद ग्रास नाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रास नली की लंबाई सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसकी लंबाई जो होती है वो लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ग्रास नली की संरचना अगर हम देखते हैं तो संरचना के अंदर यह एक ग्रंथि युक्त जिसमें श्लेष्मा पाया जाता है, श्लेष्मा ग्रंथि युक्त संरचना होती है। एक लंबी नलिका का रूप होता है जो कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हो। ग्रसनी से आमाशय तक के भाग की एक पाइप नुमा या नलिका रूपी संरचना के रूप में ये पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी उपस्थिति, तो उपस्थिति के अंदर ग्रास नली ग्रसनी से आरंभ होकर, ये ग्रसनी है, ग्रसनी से आरंभ होकर डायफ्राम से होती हुई इसका अंतिम छोर जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसी के अनुसार इसका अंतिम छोर आमाशय में खुलता है। ग्रास नली या ग्रसिका ग्रसनी से आरंभ होती है, डायफ्राम से होती हुई
अंतिम सिरा आमाशय में खुलता है, ग्रसिका की जो दीवार होती है वो महीन पेशी युक्त द्विस्तरीय आवरण होता है। इसके अंदर जो बाह्य स्तर का जो आवरण होता है, इस बाह्य स्तर के अंदर सीधी पेशी संरचनाएं होती है जिसमें अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है। उसके साथ आंतरिक जो स्तर होता है इसका अंदर वाला भाग, उसके अंदर श्लेष्मा का आवरण होता है और श्लेष्मा के आवरण के साथ साथ उसमें वर्तुल अरेखित पेशी स्तर भी पाया जाता है। और उसके साथ यहाँ पर एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर नीचे की तरफ जाते हुए गोल गोल घुमावदार छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है जो कि भोजन को ग्रसनी में पहुंचने के बाद ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय तक पहुंचने में मदद करता है, यानी भोजन को जो चबाया गया भोजन है उसे वह नीचे की ओर धकेलने में मदद करते हैं ये छल्ले नुमा संरचना। ग्रसनी के अंदर भोजन जब पहुंचता है तो पहुंचने के बाद ग्रसनी से आमाशय में भोजन को पहुंचने में मात्र 7 सेकंड का समय लगता है और इस 7 सेकंड के अंदर भोजन ग्रसनी के द्वारा ग्रास नाल से होता हुआ या ग्रसिका से होता हुआ आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ भोजन ग्रसनी से आमाशय में पहुंचने का एक माध्यम होता है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो लेते हैं वो लेते हैं आमाशय। आमाशय क्या होता है, किस प्रकार इसकी संरचना होती है, इसके ऊपर मैं आपको संक्षिप्त में यहां थोड़ा बता देता हूं कि आमाशय जो होता है वो अंग्रेजी के जे आकार का होता है, जो आपको देखो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है अंग्रेजी का जे आकार, तो इसका आकार अंग्रेजी वर्ण माला के जे वर्ण के अनुरूप होता है। दूसरी बात, जो आमाशय आपको यह डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये आमाशय एक थैली नुमा पेशीय संरचना होती है। यह थैली नुमा पेशीय संरचना मानव द्वारा अंतर्ग्रहण किए गए पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है, यानी भोजन को अपने अंदर इकट्ठा रखती है। इसके उपस्थिति हम देखते हैं, उपस्थिति के अंदर आमाशय जो होता है वो उदर गुहा के बाईं ओर डायफ्राम के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आमाशय के आरंभिक सिरे पर और अंतिम छोर पर कुछ विशेष कपाट नुमा संरचना पाई जाती है जो कि भोजन के आगमन और भोजन के निर्गम दोनों ही स्थितियों को कंट्रोल करते हैं। इन दोनों कपाटों के अंदर देखा जाए तो इनके नाम क्रमशः जठरागम और दूसरा है जठरा
जठर निर्गम, जठरागम यानी जठर का आना, भोजन का आने वाला कपाट, और जठर निर्गम यानी भोजन को बाहर निकालने वाला कपाट। अवरोधनी के नाम से ये जाने जाते हैं। इन दोनों कपाटों की उपस्थिति आपको इसके साथ दर्शानी है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, ग्रास नाल या ग्रसिका और आमाशय दोनों का संधितल, दोनों का संधितल जो होता है उस संधितल के ऊपर जठरागम अवरोधनी पाई जाती है। ग्रसिका प्लस आमाशय का जो संधितल है उस संधितल के ऊपर जठरागम अवरोधनी उपस्थित होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो यू स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यू से बाकर जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी का आरंभिक भाग और आमाशय का अंतिम भाग, तो जठर निर्गम अवरोधनी जो होती है वो ग्रहणी प्लस आमाशय प्लस ग्रहणी का संधितल पर स्थित होते हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं आमाशय के भाग। आमाशय के कुल तीन भाग होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम ऊपरी भाग, ये वाला भाग, मध्य ये वाला भाग और निचला ये वाला भाग जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और निचला भाग। ऊपरी भाग जो होता है वो फंडस के नाम से जाना जाता है, और इसका जो द्वितीय भाग होता है वो कार्पस के नाम से, और तृतीय जो इसका भाग होता है वो एक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इन तीनों भागों के अंदर प्राथमिक और द्वितीय जो भाग होते हैं वो या उनकी अंदर पाई जाने वाली संरचना लगभग लगभग लीवर का या आमाशय का 80% भाग का निर्माण करती है, और उसके बाद में जो तीसरा जो भाग होता है इसका, उसके अंदर उपस्थित जो अंग होते हैं, जो ग्रंथियां होती है, वो ग्रंथियां लीवर का 20% भाग का निर्माण करती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय या ऊपरी या मध्य दोनों भागों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। प्राथमिक और द्वितीय भाग फंड और कार्पस के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती है उनके नाम जठर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, और तृतीय या निचले भाग में जो ग्रंथियां पाई जाती है उनके नाम जठर निर्गम ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। जठर ग्रंथियां जो प्राथमिक और द्वितीय भाग के अंदर उपस्थित होती है, ये जठर ग्रंथियां अम्लीय जठर रस का स्राव करती है। इन जठर ग्रंथियों के अंदर अनेक छोटी-छोटी कोशिकाएं होती है जिसके अंदर जायपोजन या चीप सेल्स के नाम से कुछ कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं पेप्सिनोजन एंजाइम्स का स्राव करती है, और उसके बाद दूसरी जो अन्य कोशिकाएं जिन्हें हम अम्लजन कोशिकाएं या ऑन्टिट सेल्स भी कहा जाता है,
ये एक्सियल का स्राव करती है। उसके बाद निचला जो स्तर होता है जिसमें जठर निर्गम ग्रंथियां स्थित होती है, उन जठर निर्गम ग्रंथियों की कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। आमाशय की बाह्य संरचना के बारे में देखते हैं तो आमाशय की जो बाह्य संरचना होती है वो त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है। त्रिस्तरीय आवरण के अंतर्गत जो बाहर का स्तर होता है वो अनुदैर्ध्य मध्य का जो स्तर होता है, ये मध्य का स्तर वर्तुल और आंतरिक जो स्तर होता है वो त्रियक पेशी युक्त होता है। आंतरिक स्तर पर आमाशय के अंतर का जो भाग होता है उस पर श्लेष्मा की मोटी परत पाई जाती है। मोटी परत पाई जाने का कारण यह है कि श्लेष्मा के कारण इसकी कोशिकाओं से स्रावित होने वाला HCl अम्ल लीवर की या आमाशय की कोशिकाओं तक न पहुंच सके और उसको किसी प्रकार की इस अम्ल से हानि न हो सके। तो श्लेष्मा इस अम्ल से बाह्य भाग या बाह्य स्तर जो होता है उसका आमाशय का उसकी रक्षा करती है और अम्ल को कोशिकाओं के संपर्क में आने से रोकती है। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।